हेलो बच्चों, तो हमारे पास एक मैक्सिमम मिनिमा का एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 सीबीएसई के लिए। देखते से द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स टीवी सेट्स पर डे इज, आपको एक्स टीवी सेट्स का कॉस्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 140, एक्स प्लस का 100, ठीक है। एंड द प्राइस पर सेट, देखो पर सेट दे रखा है मतलब एक सेट का प्राइस आपको दे रखा है, मे बी सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 200 माइनस 2x, ये आपको एक सेट का सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब इसने बोला है फाइंड द डेली आउटपुट टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो आउटपुट होगा वो निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल आएगा क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स टीवी सेट, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 140 एक्स प्लस का 100, ठीक है। अब उसके बाद हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, ऑफ वन टीवी सेट पर दे रखा था ना, इसलिए सेट कितना आएगा हमारे पास 200 माइनस का 2x। उसके बाद से हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स टीवी सेट्स क्या हो जाएगा, x इंटू में 200 माइनस का 2x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 200 x माइनस का 2x स्क्वायर। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमें पता है कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारे पास टोटल रेवेन्यू या फिर सेलिंग कॉस्ट माइनस का कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट बोल सकते हैं उसको, या फिर सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास आ गया सेलिंग माइनस का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास P इज इक्वल टू आ गया, सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगा 200 x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का कॉस्ट प्राइस हमारे पास x स्क्वायर माइनस 140x प्लस का 100, यह आ गया आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर और 200 में से आपका 140 जाएगा तो प्लस का 60x और माइनस का 100, यह आ गया हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डीपी बाई डी एक्स निकाल के हमें जीरो पुट करना पड़ेगा, तो आएगा माइनस 6x प्लस का 60x का डेरिवेटिव 1 और 100 का 0, ठीक है। यह एक्स स्क्वायर का 2x हो गया था, यह आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और पुट कर देते हैं डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा माइनस का 6x प्लस का 60 इक्वल टू 0 और x हमारे पास आ गया 10, x हमारे पास आ गया 10 यूनिट। अब हम डेरिवेटिव करते हैं इसका विथ रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6, x का डेरिवेटिव 1, 60 का 0 आ गया माइनस का 6, माइनस 6 इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा कि प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ टीवी सेट्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10, मतलब 10 यूनिट पे आपके पास का जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हमें इसमें निकालना है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो कैसे लिख लेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो x की वैल्यू आई है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम कब आएगा, जब आपके पास 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो हम अपने प्रॉफिट फंक्शन में मतलब इस वाले प्रॉफिट फंक्शन में हम लोग x की जगह पे क्या करेंगे, 10 पुट कर देंगे, तो देखो क्या आएगा आपका माइनस का 3 10 का स्क्वायर प्लस का 60 इंटू में 10 माइनस का 100, यह आएगा आपका माइनस का 300 प्लस का 600 माइनस का 100, यह आपके पास आ गया 200 हमारे पास इसका क्या आ गया, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया फॉर 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इस तरीके के और भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है।